ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गंगा मात की जय। प्रिय भक्तगणों, हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना, ये 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो आज मैं सुना रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आप भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा माँ। सूर्य वंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किए करते हैं, उनके प्रिय जन पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हैहर और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था। और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो।
वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गईं। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगीं। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और आर्य मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवित संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुँचे। सूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुँचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की दो पत्नियां हो गईं। उन्होंने दो विवाह किया, पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 वलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अवध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली
और सगर के पुत्रों को अपने हुकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। ये कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथी ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली उनका नाम जाह्नवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली जिनका नाम सुचुच्छ, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथी के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जन्हू क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथी के अनुरोध करने पर महामुनि जन्हू का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपनी कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भगीरथी के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का आवास सदैव रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मात की जय, जय हो गंगा मैया। जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाए, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आगे आप सुने भोलेनाथ की सौभाग्य देने वाली सुंदर कथा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता
उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये तीन बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी भी चीज का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया, 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा अपने खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामयी हैं ही, वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊँगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गर्म गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं, अपने सेठ जी से कह देना यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारें तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा।
मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूँगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे। अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिद्धा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। और हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। गोपाल प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया, ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी थी, क्योंकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी, जहाँ से बनारसी साड़ी, उसे पहन लिया, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बने हुए धन के थैले को थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे, कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता, देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े ही मजे से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती, उनके पांवों की पायल जो कि छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाले और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गूंथकर लोइया बनाकर उससे पूरियां बनाई, रसोई बनाकर
भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन कर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी, भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पत्तल परोसता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है, और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगा कर आइए। गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी, मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे, आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए, खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते वे उल्टे पाँव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुँचा। उसने भोजन को रसोई में से निकालकर गंगा जल छिड़ककर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखते और कभी माता पार्वती को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माताजी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वह भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दो गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई है। अरे, मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर
मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वस ही नहीं कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआंसा होकर बोला, सेठ जी, अब तो आपने ठीक नहीं किया, माताजी तो भूखी ही रह गई, वे क्या खाएंगी। ममता मई पार्वती जी ने उस भोले भक्त गोपाल को रुआंसा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की चार बूंदे अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में चार चार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सामने त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौट गया, लौटता गया और भक्ति पूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दिया, उसे दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माँ। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सुखमय और कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।